तो हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष एफ एफ एंड वेलकम बैक टू और अनदर वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है एपिसोड 5 ऑफ सोलो बीआर रैंक पुशिंग। तो अगर अभी हम अपने स्कोर की बात करें तो हमें बस हीरोइक 3 स्टार के लिए 100 या 150 का पॉइंट ही प्लस करना था। तो फिर मैंने फटाफट से रैंक पुशिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने लगभग 10 मैचेस खेले थे। तो वो मैचेस मैं आपको तो अभी नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि आप ही लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि उत्कर्ष भाई आप रिप्ले से वीडियो मत बनाओ बल्कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग से वीडियो बनाओ। तो बस मैंने फिर ओरिजिनल रिकॉर्डिंग से खेलना स्टार्ट कर दिया एंड अब से आपको ओरिजिनल रिकॉर्डिंग से ही गेम प्ले देखने को मिलने वाला है। तो ये रहा दिन का पहला मैच एंड मैंने इस मैच को ओरिजिनल रिकॉर्डर से ही रिकॉर्ड किया है, मतलब रिप्ले से रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये मैच को स्टार्ट करते ही पहले गेम था तो लॉबी हार्ड आ जाती है। अब यहाँ पर मेरे को डेली मिशन का प्लस निकालना था तो यहाँ पर प्लेन आ जाता है एंड मैं रिसप्लाई मैप लोड आउट में लिया था। तो रिसप्लाई मैप मेरा बहुत ही पास में ही होता है तो मैं फटाफट से रिसप्लाई मैप में मार करके वहाँ पे उतर जाता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा एनिमी उतरे हुए हैं ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने रिसप्लाई मैप को ओपन करके लूट कंप्लीट कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को सामने से एक एनिमी फायर दिया था तो मैं फटाफट से वॉल लगाया एंड जैसे ही मैं यहाँ पर जाने लगा तो मेरे को वो एनिमी कर देता है डैमेज। तो यहाँ पर मेरे पास वॉल भी नहीं होती है तो मैं फटाफट से इस घर में आता हूँ एंड घर में आने के बाद कवर लेके बैठ जाता हूँ कि अगर कोई एनिमी आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। बट जैसे ही फुट स्टेप सुनने के लिए मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो मेरा फोन हल्का सा लैग कर जाता है क्योंकि थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह टाइप आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हील ही कर रहा होता हूँ, वो एनिमी मेरे काफ़ी क्लोज आ जाता है एंड फिर मैं इसे डैमेज कर देता हूँ बट ये वॉल लगा लेता है। अब उस एनिमी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने के बाद मैं उस एनिमी के ऊपर रश कर देता हूँ बट यहाँ पर मेरा ये वाला किल चोरी हो जाता है एंड कोई और एनिमी आ जाता है, वो मेरे को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं फटाफट से वापस से इस घर में घुस जाता हूँ। अब देखो, कभी भी मैं किसी भी घर में घुसता हूँ ना तो मैं फटाफट से एक ऐसे प्लेस पे बैठता हूँ जहाँ से मुझे एनिमी दिख सके एंड यहाँ पर भी मैं वही करता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये एनिमी दिख जाता है। अभी इस एनिमी को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया हूँ तो ये भी एक ही दो गोली का बच रहा है। बट फिर मैं यहाँ पर पहले हील कर लेता हूँ क्योंकि हील भी इंपॉर्टेंट है कि तभी ऊपर से एक एनिमी इस पत्थर वाले एनिमी को मार देता है। अब ऊपर से जो एनिमी मेरा किल उठाया था ना, मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। वो स्पॉट तो होता है बट ऊपर में हो जाती है फाइट। मैं फाइट में यहाँ पर थर्ड पार्टी करने का कोशिश भी करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ बट मेरे को यहाँ पर किल नहीं मिलता है। अब काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सही मौका था कि इस पत्थर वाले एनिमी को लूटने का, तो मैं फटाफट से जाता हूँ एंड लूट लेता हूँ। तो उस पत्थर वाले एनिमी से मेरे को केंटा की स्किल एडिशनल मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ड्रॉप लूटने जाता हूँ क्योंकि ड्रॉप के पास कोई एनिमी मेरे को स्पॉट नहीं होता है। फिर मैं यहाँ पर ड्रॉप जैसे ही लूटता हूँ तो मेरे को फायरिंग का साउंड आता है जो कि जस्ट मेरे सामने ही फाइट हो रही थी। तो मैं यहाँ पर वापस से जाता हूँ थर्ड पार्टी करने के लिए बट फाइट हो चुकी थी एंड यहाँ पर जो दूसरा वाला एनिमी था उसे मैं यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं इस घर में घुसता हूँ यहाँ पर एनिमी ना वुकोंग बन के बैठा हुआ था एंड फिर मैं यहाँ पर केंटा लगा लिया। अब यहाँ पर मैं इस एनिमी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश कर रहा था बट ये एनिमी वॉल लगा ले रहा था एंड ये एनिमी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैं समझ गया क्योंकि ये जैसे वॉल लगा रहा था मेरे को समझ में आ रहा था कि भाई काफ़ी अच्छा प्लेयर है। एंड फिर वो एनिमी भाग जाता है, मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर जैसे ही आता हूँ वो एनिमी मेरे को दिखता है एंड उस एनिमी को मैं एक हेडशॉट दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैं वॉल लगा के हील करता हूँ एंड वो एनिमी भी हील करता है। अब हील करते टाइम मेरे को लग रहा था कि जो एनिमी है ना वो अपनी वॉल के जस्ट पीछे ही है, तो मैं यहाँ पर बैक ऑफ आ गया कि अगर एनिमी रश करेगा तो मैं उसके ऊपर डैमेज करना स्टार्ट कर दूंगा बट वो एनिमी वहाँ से घूम के पीछे की साइड में निकल जाता है। अब मैं भी उसके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता हूँ एंड जैसे ही मेरे को दिखता है कि वो एनिमी नीचे की साइड में गया है मैं रश कर देता हूँ बट वो एनिमी ऊपर आ जाता है एंड यहाँ पर मैं मर जाता हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वो एनिमी नीचे जाएगा तो मैं उसे मारूंगा तो हेडशॉट से मर जाएगा बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो इस मैच में मेरे को 4 का माइनस लग जाता है। तो पहला ही मैच माइनस मिलने के बाद मैंने ये सोचा कि भाई हाथ गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पर मैंने फिर तुरंत दूसरा गेम स्टार्ट कर दिया एंड फिर मैं अपने रीसप्लाई मैप में लैंड करता हूँ एंड वहाँ से लूट लपाट के कैरोटॉन से लूटता हूँ एंड कैरोटॉन से लूट के सीधे केप टाउन पे आ जाता हूँ। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टोकन थे, अच्छी खासी लूट थी, तो मैं यहाँ पर फाइट के लिए भी रेडी था एंड मेरे पास टोकन भी था तो मैं वेंडिंग मशीन के पास जा रहा होता हूँ तभी मेरे को सुनाई देता है फुट स्टेप। अब ये एनिमी भाग रहा होता है तो मेरे पास एक्सेमेंट थी तो मैं इसे डैमेज करने की कोशिश करता हूँ बट एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी नहीं थी मेरी, मानता हूँ भाई थोड़ा कम चलाता हूँ एक्सेमेंट। फिर यहाँ पर ये एनिमी मेरे को दिखता है तो मैं इस एनिमी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ एंड ये एनिमी कर लेता है पैक। अब मेरे पास पड़ा था यहाँ पर ग्रेनेड तो मैंने फटाफट से ग्रेनेड निकाला, कुक किया एंड बूम, इस एनिमी का सोनिया एक्टिवेट होता है और फिर मैं इसे मार के क्लियर कर देता हूँ एंड इसका लूट बॉक्स में काफ़ी अच्छा लूट होता है कि तभी मेरा पिंग हाई जाता है।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ एंड पिंक जैसे ही स्टेबल होता है मैं लूटना स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लूट के जैसे ही यहाँ पर वेंडिंग मशीन पे आता हूँ एंड आर्सेनल खरीदता हूँ एंड थोड़े बहुत चिप खरीद लेता हूँ ग्लोबल वाले एंड फिर मैं सोचता हूँ कि भाई आर्सेनल के लिए निकला जाएगा एंड वहाँ से काफ़ी अच्छी लूट ली जाएगी, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं हमेशा कंप्लीट लूट करने के बाद एक बार आर्सेनल लूट लेता हूँ जिससे कि मुझे फिर कभी लूटने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बट मैं जैसे ही जा रहा होता हूँ मेरे को पीछे से एक एनिमी डैमेज कर देता है। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली भाई डैमेज किया है एनिमी तो मैं हील करता हूँ कि तभी एक एनिमी हेडशॉट मार देता है। कहाँ से? यहाँ से। भाई ये लोग ना कैंपर हैं, कैंपर क्या बोलूँ इन लोग को, क्या ही बोलूँ, मतलब शब्द ही नहीं है। तो इस मैच में मेरे को ठीक ठाक प्लस मिल जाता है बट डेली बोनस बर्बाद हो जाता है। तो अब उस मैच में 28 का प्लस मिला, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, उसके बाद मैंने नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर दिया। एंड ये मैच में ना लॉबी मेरे को ठीक ठाक ही लग रही थी, मतलब एवरेज सी लॉबी लग रही थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि इस मैच में तो भुया आराम से निकल ही जाएगा एंड देखते हैं निकलता है कि नहीं। फिलहाल अभी के लिए नेक्स्ट मैप आ चुका है एंड मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ ब्लू जोन में उतरने का, क्योंकि ब्लू जोन से मैं 2-4 किल निकाल के अगर मरता हूँ तो वापस से कहीं और उतर जाऊँगा, वरना फिर आराम से वहीं से चुपचाप कल्टी मार लूँगा। बट यहाँ पर उतरते ही मुझे गन ही नहीं मिलती एंड सामने वाले एनिमी को गन मिल जाती है एंड मैं यहाँ पे हेडशॉट मारने जाता हूँ उसे फिश से, बट मैं यहाँ पे खुद ही मर जाता हूँ एंड फिर मैं ऑटो रिवाइव होता हूँ। ऑटो रिवाइव होने के बाद मैं जस्ट ब्लू जोन के पीछे वाले एरिया में उतर जाता हूँ जहाँ पर मेरे को ठीक ठाक लूट मिल जाती है। एंड मैंने कोई वीडियो में मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी भी आपको बताई थी कि मतलब आप यहाँ पे उतर सकते हो, तो मैं वहीं पे उतर गया एंड फिर वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पर मुझे ठीक ठाक लूट मिल गई थी एंड उसके बाद जोन भी मेरे से काफ़ी दूर बना हुआ था, तो मैंने सीधे जोन कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यार मेरे को किल नहीं मिला था एंड काफ़ी अच्छी लूट नहीं बोलेंगे बट ठीक ठाक लूट मिल गई थी, एवरेज सी लूट। तो फिर मैंने जोन कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब जोन में आने के साथ ही मेरे को एक ड्रॉप दिखता है तो मैं फटाफट से इस ड्रॉप को लूटना स्टार्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पर मेरे को वेस्ट नहीं मिलता है। मैं इस ड्रॉप को लूट ही रहा होता हूँ कि तभी एक एनिमी मेरे को पीछे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है एंड मैं बचने के लिए जब पीछे की साइड में जाता हूँ तो एक और एनिमी आ रहा होता है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाता हूँ एंड फिर भागने की कोशिश करता हूँ पीछे से, तो ये एनिमी ओरियन बन के चला आता है मेरे पास पे एकदम मुंह पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा चुप जाता हूँ एंड हील करता हूँ। हील करने के साथ ही फुट स्टेप आता है एंड वो पीछे वाला एनिमी भी यहाँ पर आ चुका था। मैं कैसे भी करके बच बचा के यहाँ पर पीछे में कवर लेके आ गया, बैठ गया एंड सामने की ओर हो रही थी फाइट। अब देखो यहाँ से मैं कैसे बच के निकलने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लॉन्च पैड का यूज़ करने वाला हूँ तो यहाँ से तो नहीं यूज़ कर सकते, तो इसीलिए पीछे की साइड में जाएंगे। तो पीछे यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर सबसे पहले लॉन्च पैड लगाता हूँ एंड फिर एक प्लेस मार्क किया था जहाँ पे मेरे को जोन कैप्चर करके जाना था, मैं उसी डायरेक्शन में लॉन्च पैड से लॉन्च कर देता हूँ कि मेरे को नीचे एक और एनिमी दिख जाता है एंड मैं जैसे ही लैंड करता हूँ वो एनिमी मेरे सामने ही होता है, तो मैं उसे डैमेज करने की कोशिश करता हूँ बट वो एनिमी वॉल लगा लेता है एंड बच जाता है। फिर वो एनिमी जैसे ही पीछे जाता है तो मैं समझ गया कि भाई वो एनिमी डर रहा है एंड मेरे को भी मतलब थोड़ा डर लग ही रहा था क्योंकि मेरे को भुया निकालना था, तो मैंने सीधे चुपचाप बैन पीछे लगाया एंड सीधे इस घर में आके बैठ गया, बट यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब घर के अंदर आने के बाद मैं फटाफट से पहले हील करता हूँ एंड हील करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आता हूँ मेरे को एक और एनिमी दिख जाता है जो कि कहीं और पे स्कोप करके खड़ा होता है, बट उसे मैं हेडशॉट से क्लियर कर देता हूँ एंड मेरे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया अच्छी लूट नहीं थी, तो मैं जाके फटाफट से उस एनिमी का लूट लेता हूँ एंड मेरे को काफ़ी ठीक ठाक लूट मिल जाता है। अब उस एनिमी का लूट बॉक्स लूट के मैं जैसे ही नीचे आता हूँ तो मेरे को कार दिखती है एंड फिर मैं कार का यूज़ करके सीधे जोन में घूमना स्टार्ट कर देता हूँ एंड देखता हूँ कहाँ कहाँ पे एनिमी है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैनिक भी कर रहा था तो मैं फिर वापस घूम गया एंड सीधे आके इस घर में बैठ जाता हूँ। अब घर में यहाँ पर मेरे पास 2 लैंडमाइन थी तो मैंने दोनों लैंडमाइन को लगा दिया है एंड अब इस लैंडमाइन को आप लोग ध्यान में रखना। अब इस घर में लैंडमाइन लगाने के बाद मैं यहाँ पर ड्रोन छोड़ देता हूँ जिससे मुझे सामने वाले एनिमी का लोकेशन पता लग जाए एंड फिर मैं इसमें काफ़ी देर तक सर्वाइव करता हूँ। सर्वाइव करने के बाद जैसे ही जोन मेरे से दूर बनता है मैं गाड़ी का यूज़ करके जैसे ही यहाँ से निकलता हूँ एंड थोड़ी ही दूर जाता हूँ मेरे को लैंडमाइन से यहाँ पर किल मिल जाता है। तो यार जैसे ही मुझे ये वाला किल मिलता है ना मैं थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ कि भाई मेरे को अब अच्छी खासी लूट मिल जाएगी, क्योंकि यार देखो वेस्ट नहीं रहेगा तो मैं शॉर्ट रेंज फाइट मिस कर जाऊँगा। तो वही सोच के मैं इस एनिमी का लूट बॉक्स लूटने आता हूँ, बट यार इसका वेस्ट शायद से लैंडमाइन से ही फट गया था जिसकी वजह से इसके पास मेरे को ठीक ठाक लूट मिलती ही नहीं है एंड जो उम्मीदें मैंने बनाई थी वो बिखर जाती। तो अब टाइम आ चुका था जोन कैप्चर करने का, तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि सीधे गाड़ी लेके मैं जोन में चुपचाप घुस जाऊँगा, बट यहाँ पर जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मेरे को एक एनिमी डैमेज करता है। फिर मैं वॉल लगा के यहाँ पर हील करता हूँ एंड फिर मैं गाड़ी का यूज़ करना शुरू करता हूँ, तो गाड़ी अचानक से ही फंस जाती है। मतलब टाइमिंग देख रहे हो तुम गाड़ी फंसने का,
अब यहाँ पर मेरे को फाइट लेना ही था और एंड मेरे पे वेस्ट भी नहीं है 4 की वेस्ट, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो था। एंड ये एनिमी पता नहीं कैसे मेरे को मार दिया, क्योंकि M10 की 4 गोली के बाद ये जिंदा कैसे है मेरे को यही नहीं पता। तो अगेन मैंने यहाँ पर एक भुया फिर से मिस कर दिया है एंड इस मैच में मुझे 21 का प्लस मिलता है। ओके, तो हीरोइक 2 स्टार के रैंक में मैंने 3915 का स्कोर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से 21 और प्लस कर ले तो 3936 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है एंड लगभग मेरे को 64 पॉइंट चाहिए हीरोइक 3 स्टार लगाने के लिए। तो आगे इसी एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने मैचेस में हम लोग 64 पॉइंट को कंप्लीट करते हैं एंड 3 स्टार को लगाते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 4 में बताया था कि भाई हीरोइक 2 स्टार के बाद हार्ड लॉबी आना शुरू हो गई थी, तो ये उनमें से एक हार्ड लॉबी थी जिसमें काफी एनिमी के पास, लगभग 7 से 8 एनिमी के पास वीपन बैज ग्लोरी थी एंड यहाँ पर एक मैं हूँ जिसके पास एक भी वीपन ग्लोरी बैज नहीं है। यार अलग लेवल का दुख है। तो बात करें अगर गेम की, तो इस मैच में मैं उतरता हूँ काटोलिस्तीवा पे। अब काटोलिस्तीवा पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एनिमी आए थे, आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पर मेरे को 2-3 एनिमी मिल गए थे जो कि मतलब मेरे को किल दे सकते थे एंड मैं कॉन्फिडेंट भी था इस मैच में, तो किल निकालने का पूरा ट्राई करने ही जा रहा था। तो यहाँ पर मेरे को बस एक गन मिल जाए, ओके यहाँ पर मेरे को P90 मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को जैसे ही फुट स्टेप आता है, देखो मैं कितना ज़्यादा सर्वाइव करता हूँ, कितना ज़्यादा पेशेंस रखता हूँ, आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पर एल शेप के ऊपर एनिमी है, ठीक है। ये एनिमी पूरा घूम के यहाँ पर वुडन हाउस से फिर कंपाउंड में जाता है, फिर कंपाउंड से गैरेज में जाता है एंड गैरेज से होके मेरे पास आने लगता है एंड मैं यहाँ पर अब भी पेशेंस होल्ड करके रखा हूँ। अब यहाँ पर एनिमी एंट्री करता है तो मैं उसे डैमेज करता हूँ एंड डैमेज करने के बाद मैं सामने से जाता हूँ कि तभी एनिमी मेरे मुँह पर आ जाता है पीछे से एंड यहाँ पर क्या हेडशॉट लगता है आप लोग खुद ही देखो एंड कमेंट में जरूर से बताना इस हेडशॉट के बारे में कि कैसा लगा। अब यहाँ पर मैं उस एनिमी को लूटा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर 2 एनिमी ऑलरेडी फाइट करना शुरू कर दिए थे, मेरी इतनी तगड़ी पड़ गई मैं वहाँ से निकल गया एंड फिर मैं घूम के फिर एलशिप पे जाके उस एनिमी को देखने वाला हूँ कि भाई कहाँ पे है। अब यार इस गेम प्ले स्टाइल को ना आप लोग ये नहीं कह सकते कि भाई बंदा कैंपर है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे फाइट भी ले रहा हूँ बट जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ ना, कोई जान ही नहीं पाता कि भाई फाइट कब हुई एंड कब खत्म हो गई। अब काटोलिस्तीवा के सारे एनिमी खत्म हो गए, तो फटाफट से पूरा काटोलिस्तीवा लूट लेते हैं, निकलते हैं जब यहाँ से तो मेरे को दिखता है एक एनिमी। अब यहाँ पर मेरे पास M14 थी तो मैं फटाफट से यहाँ पर पीक लेने की कोशिश कर रहा था एंड हेडशॉट से इस एनिमी को फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, बट ये एनिमी पीक ही नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एंटी मटेरियल छोड़ता हूँ एंड तभी वो एनिमी मेरे को हेडशॉट मार देता है। आई नो मैंने यहाँ पर गलती किया है, मेरी गलती थी भाई, वरना मैं इस मैच को एंड तक लेके जाता। तो छोड़ते हैं उसे एंड यहाँ पर मेरे को 8 का माइनस लग जाता है। ओके, तो ये वाला मैच स्टार्ट होने से पहले ही मेरे को एक कमेंट याद आता है जिसमें एक सब्सक्राइबर ने बोला होता है कि भाई आप ऑब्जर्वेटरी या फिर मार्स इलेक्ट्रिक पे उतर सकते हो, तो मैं इस मैच में ऑब्जर्वेटरी लगे हाथ उतरने वाला हूँ। तो फिर क्या, निकल गया मैं ऑब्जर्वेटरी की ओर, बट यहाँ पर मेरे को थोड़ा हार्ट बीट तेज हो गई क्योंकि मेरे साथ एक और एनिमी भी चल रहा था, मतलब मैं डस्ट लैंड कर रहा था एंड मेरे बगल भी एक एनिमी लैंड कर रहा था एंड शायद वो भी ऑब्जर्वेटरी जाने वाला था। अब यहाँ पे जो हुआ ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप लोग खुद ही देखो। भाई मतलब देख रहे हो क्या तगड़े तरीके से इस एनिमी को मारा है एंड इस सिचुएशन पे कैसे बचाऊं। यार इसके लिए ना आप लोग कमेंट में IQ 100 जरूर लिख देना। लो भाई, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर का ख्वाहिश एंड मैं उतर जाता हूँ ऑब्जर्वेटरी, वो भी एक एनिमी को पेल के। अब पूरा ऑब्जर्वेटरी लूट लिया, लूटने के बाद सेकंड जोन का वेट कर रहा था। सेकंड जोन जैसे ही बनता है बगल में रहती है गाड़ी, तो भाई गाड़ी का यूज करके जोन में निकल जाता। अब यहाँ पर जैसे ही जोन में मैं पहुँचता हूँ तो मुझे एक एनिमी दूर पे दिखता है एंड जैसे ही वो दिखता है फायरिंग देना स्टार्ट कर देता हूँ। उस एनिमी को लगता है एक हेडशॉट एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ पीछे की साइड में, क्योंकि पीछे की साइड में मैंने किया था गाड़ी को पार्क एंड फिर गाड़ी से घुस जाता हूँ उस एनिमी के ऊपर रश करने। बट जितने में मैं गाड़ी लेके उस एनिमी के पास में जाता हूँ वो एनिमी ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर देखो ये एनिमी वेट कर रहा होता है, बट उसे मैं हेडशॉट से यहाँ पर निपटा देता हूँ एंड सोनी एक्टिव करके इसे कर देता हूँ फिनिश। अब उस एनिमी को निपटाने के बाद काफी देर तक मैंने जोन सर्वाइव कर लिया एंड उसके बाद भाई जैसे ही जोन छोटा हो जाता है काफी ज्यादा एनिमी मेरे आसपास आ जाते हैं, उसमें से एक एनिमी ऊपर में रश कर देता है।
एंड उस एनिमी को मैं हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ एंड इसका लूट लूट लेता हूँ। इस एनिमी को मारने के बाद 6 बंदे बच रहे थे एंड मेरे को एक का भी लोकेशन नहीं पता था, तो मैं यहाँ पर ड्रोन का यूज करके ड्रोन छोड़ देता हूँ एंड जोन भी श्रिंक हो रहा होता है। एंड यहाँ पर भाई गलत जगह फंस गया हूँ, यहाँ पर मेरे को लेटने पर ही कवर मिलेगा वरना मेरे को कवर नहीं मिलने वाला है। एंड मैं वॉल का यूज करूंगा तो नेड करेगा कोई ना कोई एनिमी। ओके एक एनिमी नीचे भी है लेफ्ट साइड में, नहीं दो एनिमी है ठीक है, एक एलशेप पे है और एक जस्ट नीचे है। तो यहाँ पर मैं लेट के थोड़ा सा कवर लेता हूँ एंड जैसे ही वॉल लगाता हूँ नेड कुक करने का साउंड आ जाता है। एंड मैं यहाँ पर ओरियन दबा के कूदता हूँ, बट ओरियन भाई क्या यार, ओरियन बनता ही नहीं है एंड इस चक्कर में मैं इस मैच में मर जाता हूँ। तो इस मैच में हमें 24 का प्लस मिलता है जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं हीरोइक 3 स्टार के। तो बैक टू बैक 3 मैच और खेलने के बाद हमें एक मैच में 24 का प्लस मिलता है और एक में -9 होता है एंड 26 का प्लस मिलता है। अब यार इतना मैच खेलने के बाद ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि देख रहे हो कितना क्लोज हूँ मैं, बट एक दो पॉइंट से छूट गया हीरोइक 3 स्टार। तो हीरोइक 3 स्टार नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो सामने आने वाली वीडियो पे क्लिक करना। मैं मिलता हूँ आपको उस एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।